हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से अच्छी हूँ। और अभी मैं सिर्फ अभी नहा के मैं तैयारी हुई हूँ, मतलब अभी नहाई हूँ सिर्फ। अभी तो बाथरूम से बाहर आई ही थी मैं। एंड अब हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है। एंड सुबह के बज चुके हैं गाइस 10:30, नहीं 9:30 होने वाले हैं। तो अभी मैं नहा धो के फ्री हुई थी। आगे मैं चीज़ें अभी जो भी चीज़ें आपको करूँगी आज, जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी, घर में हम क्यों आए थे, घर आने की क्या वजह थी, वो भी आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखती हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा देखिए, आपको तभी पता लगेगा। एंड मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ यहाँ पे। सो गाइज, फाइनली अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्री हुए हैं और बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं ना धूप में बैठी थी बाल सुखाने। मायशा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज, क्योंकि मुझे मायशा देखनी है। बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये देखो, मम्मा ले जा रहे हैं गाय के लिए चोकर, ये मम्मी चले गए। और ये देखो मेरी मायशा, देखो यहाँ पे यार, इसको देखो यहाँ पे, ये लगी हुई है यहाँ पे खेलने। ये कुछ इस तरह से खेल खेलती रहती है। ये मम्मी ने बनाया है गाय के लिए चोकर। हमारे पहाड़ों में आपको पता ही होगा गाय को जैसे चारा देते हैं। तो अभी वक्त है, क्योंकि 10:30 सुबह का ब्रेकफास्ट 10 बज रहे हैं। अभी देखो आप गाइस 9:47 हो गए हैं। तो मम्मी जा रहे हैं लेके गाय को। यहाँ देखो गाइस, अभी ना मम्मी ने साफ करना है। और गाय देखो अंदर मेरी, बट यहाँ से दिखेगी नहीं। अभी मम्मी गाय को पानी दे रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट चापन एंड ऑल। ये देखो गाइस, भाभी तो यहाँ ठीक है। ये देखो भाभी ने यहाँ पे नॉन वेज भी तैयार कर दिया, वेज भी सारा खाना। खुद तो अभी तैयार हुए नहीं बेचारे, नहा के ये सिर्फ बैठे हुए, इनको इतना टाइम ही नहीं लगा गाइस। आज भाभी तब तक ये कर रहे थे, मैंने सोचा आपको मैं ये दिखा देती हूँ। यहाँ देखो, हाँ ये भी देखो बड़े पोल्डू हमारी शाकलिया। हमारे पहाड़ों में तो गाइस ये देखो, ये बड़े भी है, पोल्डू भी है, पकौड़े भी हैं भाभी ने बनाए हुए। ये सारा मेरी भाभी ने करा हुआ है। मैं सिर्फ वीडियो बनाने का काम करती हूँ, मेरी भाभी सारा काम करते हैं। ये देखो मेरी भाभी मस्त। सो गाइस, फाइनली हम लोग तैयार हो रहे हैं। और आप क्या, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और आपके फेस पे कुछ ना कुछ चीज़ हो ही रही है? मेरे फेस पे ना गाइस देखो, मैं तैयार तो हो गई हूँ, शायद यहाँ आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी देखो कैमरे में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन बट इतनी खुश्की हो रही है, इतनी खुश्की हो रही है, क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। बट अभी मैं आपको अपना पूरा पहाड़ी लुक दिखाऊंगी, जो हमारे पहाड़ों में होता है सदरी ढाटू एंड ऑल करके। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा। बाकी भी तैयार हो रहे हैं सारे के सारे। जब सारे तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं तो हूँ ही, मेरे पास पारे भी टंगे, यहाँ जाओ यहाँ। हाँ सो गाइस देखो, फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ जो हमारे ट्रेडिशन में होता है ढाटू पहनना है, वो मैं बाद में पहनूंगी, अभी तो नहीं। और ये देखो मेरे कान में और गले में, ये हमारे ट्रेडिशन में। बाकी सब भी तैयार हो गए, मैं आपको दिखा लेती हूँ। तैयार करने वाली भी यही थी और ये अभी तैयार हो रही है। बाकी देखो ये देखो, हाँ जी हाँ, ले जाओ आप दांतों। क्यों दांतों? आपने इनको मारा क्यों, इनकी बेटी को आपने? सो गाइज फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ देखो यहाँ आ जा, ये तो चली गई है भाग के। और यहाँ देखो आंचल भी तैयार, महिषा आ जाओ जल्दी। ये देखो आंचल भी तैयार हो गया, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ। और अभी मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, जो हमने आज पहाड़ी लुक किया है, जो हमारा ट्रेडिशन है वैसा। सो गाइस ये है मेरा जो फाइनल लुक है। अब हम इस तरह से क्यों तैयार हो रहे हैं, क्या चीज़ें इसके पीछे सस्पेंस है, वो आप लोगों के लिए सस्पेंस है। मायशा ऊपर से आ रही है, तो इसलिए ये देखो गाइस, मायशा भी ना बिल्कुल गंदी बन चुकी है, इसने पूरा लुक लगा दिया। सो अभी मेरा ये लुक है, आंचल का लुक भी ऐसा ही है। मैं आंचल का लुक आपको दिखा लूँगी। हमने आज सबने पहाड़ी ट्रेडिशन का पहना हुआ है, मैंने भी कार में भी पहने हुए और इधर भी गले गले में भी पहना हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर।
तो गाइस फिर मैं अंदर, यहाँ एंट्री हो गई थी मेरे जो गेस्ट थे, स्पेशल गेस्ट तो हमारे थे जो फैमिली गेट टुगेदर होने वाला था यहाँ पे, तो मैं इनसे मिली। ये देखो मैं सभी के पाँव छू रही थी और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई और देख रही थी कि कहाँ ही बैठूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं बैठ जाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं इसके बाद बैठने के बाद सभी यहाँ बैठे थे, पंडित जी भी थे बैठे, वो सोच ही रहे थे कि पूजा कैसे करनी है, क्या करनी है। हम सभी देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ देखो गाइस पंडित जी ने ना ये बनाना स्टार्ट कर दिया था, और जो भी पूजा के लिए बनता है ना मंडल सा, वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये देखो बन भी गया था। इसके बाद यहाँ पे पूजा होनी थी, ये देखो इसके बाद पूजा स्टार्ट हो चुकी है और पंडित जी लगे हुए हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट बस पंडित जी देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाकी सब भी यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं मेरी पूरी फैमिली बैठी है। पूरी तो नहीं है, मतलब कुछ लोग है नहीं इसमें, कुछ आए नहीं है कुछ, तो इस वजह से ऐसी है। जैसे भी है सारी बैठे हैं। बट यहाँ देखो अब इसके बाद मैं और मायशा लग गए थे पूजा करने, और मायशा ना मेरी गोद से उतर ही नहीं रही थी और मुझे थोड़ा सा मायशा साथ अनकंफर्टेबल हो रहा था। बट लेकिन क्या करे, बच्चा तो बच्चा ही है, इसने तो अपनी जिद पूरी करनी है, इसलिए मायशा ने अपनी जिद पूरी की और मायशा मेरे साथ ही पूजा करने लग गई। तो बाकी सब भी यहाँ पूजा कर रहे थे, बाकी सब पूजा में बैठे थे। और ये देखो सबको मलिया बांधना शुरू कर दिया, मुझे तो बांध दी थी, और मायशा को पापा लेके अपनी गोदी में। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी फिर पापा जी को भी मैं बंध रही थी, सबको ही मलिया बंध रही थी। और मुझे थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा था ओ गॉड क्या हो रहा है, बट फिर भी मज़ा आ रहा था पूजा में बैठ के। और देखो मायशा मेरे साथ खेल रही थी और ये देख रही थी कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस यहीं पे सभी बारी बारी से अपनी मली बंधवाने आ जाते हैं सब पंडित जी के पास कि हाँ मुझे भी बांधो मुझे भी बांधो, तो सभी को बांधनी पड़ती है। तो बस देखो पंडित जी मजाक भी करते हैं थोड़े बहुत, तो आंचल के साथ मजाक कर रहे थे मेरी बहन के साथ, फिर ये मजाक वगैरह चल पड़ा और हम फिर ये देखो फिर आगे ये सब चीज़ें। अब भी ये छोटी काकी को भी बांध रहे थे और बुआ भी बंधवा रहे थे, तो सभी को मलिया बंधवा रहे थे और बाकी सब अपना। उसके बाद ये मलियों का सेशन ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद ये पूजा का सेशन फिर स्टार्ट हो गया। और मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, बट फिर भी जो भी है जैसा भी है ठीक था। अब मुझे थोड़ा सा नर्वसमेंट हो रही थी और मायशा मेरे पास दौड़ रही थी, फिर इसको खींच रहे थे। ये देखो यहाँ पे फिर ये पूजा का सेशन स्टार्ट हो चुका था। ये देखो फिर पूजा इस तरह से हमारी संपन्न हुई। यहाँ पे पापा जी ने मुझे मुंह दिखाई देनी थी और उसके लिए हम खड़े हो गए थे। फिर ये देखो तो यहाँ पे पापा ने मुझे मुंह दिखाई दी, वीडियो नहीं ली, इस तरह से हमने फोटो ही मैंने एडिट कर दिया और इस तरह से मेरी मुंह दिखाई की रस्म संपन्न होती है। ये देखो मैं मुझे खुशी भी है बहुत। सो गाइस फाइनली हमारी ये पूजा खत्म हो गई और अभी अभी हम पूजा से फ्री हुए हैं। बाकी तो होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड बाकी तो इस बार ज्यादा वीडियोज में ले नहीं पाई, ये देखो ये इसी ने ली ज़्यादा वीडियोस, तो आज सो मजा पार को यार। सो होप सो गाइज आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।